सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को फरूख सियार का जो रॉयल फरमान है वो आगे प्रॉफिटेबल होगा. सो 1961 के बाद 1770 में जो ये मैग्ना कार्टा दिया गया, ब्रिटिशर्स पावरफुल होती गई. लेकिन देखिए, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस में जो एक डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि शुरुआती दौर में दे डेवलप 3 हेडक्वार्टर्स इन इंडिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगह पर अपने ट्रेड एस्टैब्लिशमेंट को डेवलप करेगी और इक्वली आप ये कह सकते हैं कि उसको स्ट्रेंथन करेगी. ये 3 हेडक्वार्टर हैं, छोटे छोटे एरियाज लेंगे, उसके अगल बगल के एरिया भी खरीदेंगे, उसके अगल बगल के एरिया भी खरीदेंगे. थोड़े बड़े एरियाज हो जाएंगे तो वो उनकी टेरिटरीज बन जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंसीज बन जाएगी. ये जो 3 जगह है, इसमें पहली जगह है मद्रास, दूसरी जगह है बंबई और तीसरी जगह है कलकत्ता. सबसे पहले मद्रास से शुरुआत करते हैं. मद्रास कैसे इनके पास आया, देखो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है फ्रांसिस डे. क्या नाम है इसका? फ्रांसिस डे, जो आज का चेन्नई है, समझ लो चेन्नई के आसपास का 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसको ये खरीद लेता है, प्रोक्योर कर लेता है वहां के एक लोकल जमींदार से, जिसका नाम होता है वेंकटद्री नायडू. कोस्टल एरिया होता है, इनको बहुत ज्यादा काम का होता नहीं है, तो ये बोलते हैं कि यार हमको ज्यादा काम का नहीं है तो लो खरीद लो. और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को ले तो काम का था, क्योंकि यहां से इन्होंने सारा माल भेजना था. फिर बाद में यहां पर एक फैक्ट्री बना देते हैं और उसको फोर्टिफाइड करके 1644 में उसका नाम रख देते हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट. सो दिस इज द फर्स्ट फोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. भारत में ये इनकी पहला किला था. देखिए, फैक्ट्री और फोर्ट में क्या डिफरेंस था, देखो फैक्ट्री और फोर्ट में ये डिफरेंस था कि फैक्ट्री एक नॉर्मल बिल्डिंग है और जब उसके चारों तरफ आप बाउंड्री बना दो, एक डिफेंस सिस्टम बना दो, तो उसको हम फोर्ट बोलते थे. और फोर्टिफिकेशन राइट्स लेने वहाँ के लोकल नवाबों से, लोकल रूलर से बहुत ईजी नहीं होता था, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी. तो धीरे धीरे करके इस मद्रास को ये लोग एक्सपैंड करते जाएंगे, तो इस तरीके से एक प्रेसिडेंसी ये बनेगी. बंबई की कहानी, जो इनकी दूसरी प्रेसिडेंसी है, उसकी कहानी क्या है, 1668 में जेराल्ड एंगुइयर ने इसको लीज पे लिया जॉन टू से, फ्रॉम एनुअल 10 pounds लीज. तो जैसा कि मैंने बोला था कि 1662 में ये तो डाउरी के रूप में इसको मिला ना, डाउरी मिला. 1672 में पोर्चुगीज ने ब्रिटिशर्स वालों को ये दहेज के रूप में दिया, क्योंकि जॉन टू का जो बेटा था, चार्ल्स द्वितीय जो था, उसको ये दहेज में मिला था. अब चार्ल्स द्वितीय ने कोई यहाँ पर बंबई में आकर के कुछ कर्तव्य तो करना था नहीं, तो उसने पोर्चुगीज वालों ने चार्ल्स टू ने बोला, जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी वालों, तुमको ज़रूरत है बंबई की, ले लो, बस मुझे साल का किराया दे देना. और आप सोचो, 10 pounds इज़ लाइक 900 rupees ऑफ टुडे और मे बी 1000 rupees ऑफ टुडे. उस समय 10 pounds की क्या वैल्यू रही होगी. तो धीरे धीरे करके इन्होंने बॉम्बे के एरिया को भी मजबूत करा. इस तरीके से बॉम्बे इनकी दूसरी प्रेसिडेंसी बनी. तीसरी प्रेसिडेंसी कलकत्ता, जो इनकी मेन प्रेसिडेंसी होगी और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हेडक्वार्टर भी बन जाएगा. मतलब 1773 के बाद ये सेंटर ऑफ रूल होगा. इसकी शुरुआत कैसे होती है, 1699 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जॉब चारनॉक, ये फिर से 3 गांव खरीद रहा है, वहां के नवाब से 3 गांव खरीद रहा है बंगाल से, मुगल एम्पायर जो मुगलों के अंडर में आते हैं. एक गांव है गोविंदपुर, दूसरा गांव है सतनौती और तीसरा गांव है कालीकाता. गोविंदपुर, सतनौती एंड कालीकाता, तीनों गांव इकट्ठा करके ही कलकत्ता बनाया गया. और वहां पर जब फैक्ट्री बनाई तो वहां पर उसकी किलेबंदी की गई फोर्ट विलियम के नाम से. तो 1690 में ये कलकत्ता बना और 1696 के अंदर फोर्ट विलियम की स्थापना की गई. सर, दिस फोर्ट विलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन. ये आगे के इतिहास में कई जगह पर आएगा, क्योंकि ये फोर्ट विलियम ही तो है
जी आपका आज जैसे बोल दो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कहाँ पर है, दिल्ली में, ल्यूटियंस वाला एरिया, उस जमाने में ब्रिटिशर्स का ये फोर्ट विलियम था। फोर्ट विलियम जो है 1696 से लेकर के 1773 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का केंद्र, और 1773 से लेकर के 1912 तक ये एक तरीके की जो कैपिटल का हेडक्वार्टर है वो रहेगा ब्रिटिशर्स का। इसी फोर्ट विलियम में बहुत सारी ट्रेजिडीज होंगी, यहीं से ही इनके वाइस रॉय का जो हेडक्वार्टर होगा वो यहीं होगा, इंपॉर्टेंट ऑफिस बेयरर सब यहीं पर होंगे, यानी कि ये एरिया सबसे पावरफुल फोर्ट बनने वाला है ब्रिटिश इतिहास का। तो इस तरीके से ये तीन हेडक्वार्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस डे, जेराल्ड एंगुइयर, जॉब चारनो के तीन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं जो इन टेरिटरीज को एक्वायर करके एस्टैब्लिश करते हैं और आगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्षेत्र मजबूती प्रदान करते हैं। तो कौन सा टेरिटरी कब लिया, किससे लिया, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। एंड द एग्जाम ऑल्सो आस्क कि कलकत्ता जो है वो किन तीन गांव से मिलकर के बना है, तो गोविंदपुर, सतनौती एंड कालीकाता। तो ये है हमारी शुरुआत की हिस्ट्री ब्रिटिशर्स की। उसके बाद हम इन्वेजन ऑफ डेन्स यानी डेनमार्क, डेनमार्क के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम डेनिश भी बोल देते हैं, ठीक है। डेनमार्क, इनका हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 1616 के अंदर ट्रंक बार तमिलनाडु में ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी ज़रूर याद रख लेना, और क्रोनोलॉजी के लिए भी याद रख लेना कि 1616 में आए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 1498 में पोर्चुगीज आए, 1503 है उसमें डचेस आ रहे हैं, और 1608 में ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो 1616 में ये लोग आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था सीरमपुर, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सीरमपुर, या जिसको श्री रामपुर भी बोलते हैं, एक्चुअल नाम इसका श्री रामपुर है, बट ये एंग्लिशिस्ट फॉर्म है। तो हेडक्वार्टर सबकी पूछेगा कि कहाँ पर है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 1745 में दे सोल्ड ऑल सेटलमेंट टू द ब्रिटिशर्स एंड लेफ्ट अवे। तो ये भी यहाँ से क्या कर देते हैं, क्विट कर जाते हैं। बट कब करते हैं, 1749 में। ऐसी डच वाले कब करते हैं, 1759 में। तो ये बड़ा दिक्कत रहता है कि यार किसका पहले कौन गया फिर कौन गया, इसकी क्रोनोलॉजी में ये जो ईयर्स हैं ये थोड़े से प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो पाते हैं। तो इस तरीके से डेनिश वाले भी यहाँ से गए, और इसके बाद आता है फ्रांसीसियों का इतिहास, फ्रेंच क्यों आए, कैसे आए, क्या स्टार्ट करना शुरू किया, इनके इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स, कौन खुरापात था जहाँ से ब्रिटिश फ्रेंच वॉर स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद फ्रांस और अंग्रेज़ों का द्वंद्व जिसमें से एक ही सुपर पावर यहाँ पर टिक पाएगी।